हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस पर अगर आपने संचालन करना हो तो पहली बात तो आपके पास मैटर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आप कार्यक्रम विवरणिका बनाइए तरीके के साथ। सबसे पहले एक संचालक की एंट्री होती है, यानी कि वो अतिथियों के आने से पूर्व, ध्वजारोहण से पूर्व एक माहौल बनाता है। इसलिए सर्वप्रथम मंच संचालक की एंट्री होगी, यानी कि साउंड लगते ही कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत से पहले शायरी शब्दावली बोलकर आप माहौल बनाएं। फिर जैसे ही अतिथि आगमन होता है, आप संदेश के साथ उनका स्वागत कीजिए। फिर अतिथि आते ही सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय दिवस पर ध्वजारोहण, तिरंगा फहराते हैं, वो आप करवाइए। फिर राष्ट्रगान होगा, परेड का निरीक्षण, अगर कोई छोटी मोटी परेड अगर आपने बच्चों की तैयारी करवाई है तो उसका निरीक्षण करते हैं जैसे अतिथि। फिर सलामी होती है, फिर कुछ लोग अतिथियों का पुष्पाभिनंदन करते हैं, यानी कि उनका सत्कार करते हैं, कुछ लोग उसको बैज लगाते हैं। उसके बाद जैसे दीप प्रज्वलन, मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है, हालांकि कुछ लोग कुछ चीज़ें बीच में से छोड़ देते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा विवरण होना चाहिए। उसके बाद जैसे प्रांतीय सांस्कृतिक धरोहर प्रस्तुति है, देशभक्ति गीत पर डांस है, विशिष्ट अतिथि का भाषण है, देशभक्ति गीत, स्वच्छता पर प्रस्तुति, यानी कि आपके कार्यक्रम में मैसेजफुल परफॉर्मेंस जरूर होनी चाहिए जिसका एक संदेश जाता हो समाज में। जैसे 20 नंबर पे प्रस्तुति है कन्या भ्रूण हत्या, शंकर भगवान की प्रस्तुति है, विशिष्ट अतिथि का भाषण, और आओ स्कूल चले, यानी कि अनपढ़ता एक अभिशाप है, इस पर कोई प्रस्तुति या नाटक हो। उसके बाद जैसे छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति, इस प्रथा पर प्रस्तुति, किसान पर भी प्रस्तुति होनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक बहुत ही अच्छी लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैंने ये बनाई है। एंट्री कीजिए अपनी बहुत अच्छी कि श्री गणेश मैं करूँ राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र की वंदन करता हूँ, सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ बनकर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। आज देश का 70वां स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लघु भारत के रूप में एकत्रित सभी युवाओं, मातृशक्ति, बुजुर्गों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों का स्वागत करता हूँ। अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार इस शुभ दिन का स्वागत करेंगे। जिस आज़ादी के लिए सदियों तक स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं झेली, संघर्ष किया, जवानी जेल में काटी, अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का उत्सव है। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुनियोजित तरीके से मनाया जाएगा। जैसे ही हमारे माननीय मुख्य अतिथि पहुँचते हैं, सबसे पहले ध्वजारोहण होगा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करके सलामी लेंगे। इसके उपरांत कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ होगा। आज एक नई राह, नई संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का अवसर है। इस तरह से ये पूरी स्क्रिप्ट है दोस्तों। अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए नंबर पर गूगल पे या फोन पे करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दें।